हेलो दोस्तों, हाय। तो आज हम आए हैं नर्मदा जी के पुल पे। ये देख सकते हो यार, आप पीछे की जगह नर्मदा जी का पुल बना हुआ है और ये आंवली घाट है। बहुत ही फेमस है हमारे इधर का आंवली घाट। ये पूरा इन लोगों ने बनारस जैसा बनाने का करा था। ये यहाँ की जगह से आपको पीछे दिख रही होगी, ये पूरी लाइन वगैरह है। ये अलग सी कनाल निकाला हुआ है इन्हें, ताकि श्रद्धालु है, भक्त वगैरह, लोग वगैरह यहाँ की जगह आके नहा सके। ज़्यादा पानी नहीं है बेसिकली इसमें, ये छोटे लोगों के लिए है, ताकि बच्चे भी नहा सके और बूढ़े बुजुर्ग वगैरह भी इसमें नहा सके। इसकी गहराई लगभग इन्होंने 5 फीट के आसपास रखी है और छोटे बच्चों के लिए और भी है, 3 फीट के हिसाब से भी है। तो अलग अलग ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर मैं पीछे दिखाऊँगा, ये पूरा कैनाल निकाला इन्होंने, ये नर्मदा नदी से ये अलग कैनाल निकाला हुआ है। ये देखिए पीछे घाट बना हुआ है, तो यहाँ की जगह से लोग नहाने के लिए आते हैं। अभी आज क्या है कि बहुत खाली है और वैसे हम लोग आउट ऑफ द डे आए हैं, तो आज आपको कोई भी ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे होंगे। वैसे तो ये सिर्फ हम लोग ही दिख रहे हैं, बाकी बेसिकली ये अमावस्या के दिन इधर बहुत सारे लोग आया करते हैं नहाने के लिए। ये पूरा कनाल बना हुआ है, ये साइड में नर्मदा नदी है। इधर से इधर पर नया ब्रिज बना हुआ, अभी पहले यहीं से नाव जाया करती थी। ये जो एरिया आप दिख रहे हो, यहाँ से नाव चलती थी, तो उस पार जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते थे। और भी बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ से मैं दिखाने वाला हूँ। इधर से देखिए, ये इधर पूरा लगा हुआ है, ये बहुत ही जगह बनाया हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, सीजन के टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ आना जाना रहता है, तो उस हिसाब से भी लोग आते हैं। अभी मैं आपको यहाँ की जगह एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। हम उधर ही जा रहे हैं, अभी हम ऑन द वे हैं, ये अभी जा रहे हैं। पीछे मंदिर वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ रास्ता वगैरह। मेरे पास पहुँचने वाला है, ये एंट्रेंस पॉइंट है यहाँ का, ये देख सकते हो आप। ये यहाँ से हम लोग निकले हैं, ये पूरा मेन गेट है। इधर अंदर जाएंगे, ये अच्छी घूमने की जगह है। जबकि आप जैसे आपकी घंट वगैरह होगा, यहाँ पे धर्मशाला वगैरह भी है रुकने के लिए। बगल में हमारे साइड में धर्मशाला है, मंदिर के लिए स्थान है। ये पूरा हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, देखिए रास्ता। ये मेरे पीछे आपको धर्मशाला दिख रही होगी, यहाँ की जगह गेस्ट वगैरह के लिए है। यहाँ पे गेस्ट वगैरह भी, ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ का मेन एंट्रेंस पॉइंट है। और ये अभी अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए ये लोग, हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा गार्डन भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, ये गार्डन वगैरह है। ये पूरा एरिया बहुत बड़े इलाके में गार्डन वगैरह, यहाँ पे जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह, शादी वगैरह करना है किसी को भी, ये धर्मशाला का एरिया है, तो यहाँ की जगह कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। बहुत ही लो बजट में ये लोग करवा लेते हैं शादी वगैरह भी। यहाँ की जगह से हॉल मिल जाएंगे आपको, ये पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। यहीं पर अगर हॉल वगैरह, जैसे बारिश के टाइम में शादी होती है, तो बारिश के टाइम में आप हॉल में कर सकते हो। या फिर यहाँ की जगह जो लोग श्रद्धालु वगैरह रुकने के लिए आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर रुक सकते हो। ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें आप यहाँ, ये इसमें देखिए यहाँ से बहुत सारे कक्ष वगैरह बने हुए हैं। ये मेरे पीछे का नज़ारा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें हैं, तो आप चलते हैं अभी देखेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप मेरे पीछे से, ये यहाँ की जगह बहुत ही बड़ी शिव जी की प्रतिमा है। ये बहुत अच्छी ऊँची सी शिव जी की प्रतिमा है। ये साइड में आपको इधर नंदी महाराज सामने दिख रहे होंगे, और ये पीछे ब्रिज दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आता है। एक्चुअली ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ की जगह से आप फ़ोटो वगैरह भी शूट कर सकते हैं। तो बस ये दिखाना था आप लोगों को यहाँ से। ये मूर्ति है पीछे, मूर्ति के सामने भी हमको, सामने से भी मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखाऊँगा यहाँ का, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम नीचे चलते हैं यहाँ की जगह से, ये सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों से हम नीचे चल, तो ये अभी हम नीचे जा रहे हैं। अभी आपको मैं नीचे से दिखाने वाला हूँ, ये सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं। ये देखिए यहाँ की जगह, अब हम नीचे आ चुके हैं, फाइलनी मंदिर के नीचे आ चुके हैं। तो बहुत ही शानदार सा व्यू है, शानदार सा नज़ारा भी है यहाँ की जगह। एकदम बहुत शांति बहुत है, शायद आपको वीडियो में भी लग रहा होगा, आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ मैं रियल में बहुत शांति फील आपको, शायद आप ध्यान से सुनो चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, इतनी शांति है। शायद सुनाई दे रही होगी, आपने बैकग्राउंड में ध्यान दिया होगा। तो ये पीछे है शिव जी की, फाइनली हम शिव जी की मूर्ति के पास आ चुके हैं। गाइस बहुत बड़ी प्रतिमा है, मोबाइल में शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, ये मैं इसके बेस के बराबर भी नहीं आ पा रहा हूँ अभी, तो इतनी बड़ी प्रतिमा है। और ये देखिए ये बहुत ही बड़ी मूर्ति है, अभी तो मैं इनके पैरों तक भी नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे ये बेस ही मुझसे काफ़ी ऊँचा है यहाँ से।
इतनी बड़ी यहाँ के बहुत ही विशाल प्रतिमा है, और ये सामने ही हमारे नंदी महाराज की मूर्ति भी है। ये आपने अक्सर सुना होगा कि जहाँ जहाँ शिव जी की प्रतिमा रहती है उसके सामने ही नंदी महाराज भी रहते हैं। ये गार्डन है, इधर दो गार्डन दो हिस्सों में बटे हुए, एक ये वाला गार्डन है और एक ये मेरे जस्ट पीछे वाला गार्डन है। तो ये पीछे वाले गार्डन में भी जगह बनी हुई है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा और दिखाऊंगा, आगे जाके देखेंगे हम, नर्मदा नदी का सीन देखेगा यहाँ से, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से पूरा दिखेगा। हम बैक में चल के देखते हैं। आ गया यार, ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ की जगह। ये देखिए आप मेरे पीछे से, ये बहुत ही शानदार सा एकदम व्यू है। ये पूरी नर्मदा नदी है यहाँ की जगह, और ये बीच जैसा नज़ारा लगता है। आप जैसे उस टाइम में आओगे, कभी ठंडी के टाइम में या गर्मी के सीज़न में आओगे, तो यहाँ की जगह बहुत भीड़ मिलेगी लोगों को नहाने वाले की, सभी लोगों की यहाँ की जगह से। बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे पानी भी बहुत कम है, बहाव भी नहीं है ज़्यादा, नहाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह। बस ये है कि गहरा पानी है, तो अगर आओ तो अगर आपको तैरना मालूम है तो ही जाइए नदी में, नहीं तो आप किनारे पे भी खड़े रह के मज़े ले सकते हैं। वैसे किनारे पे भी बहुत अच्छा मज़ा आता है। ये बहुत सारी जगह है, बहुत ही बड़ी जगह में बनाया हुआ है। ये पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा, ये हमारा गार्डन है। हम आगे से आपको चल के, ये हमारे पीछे और भी मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे पीछे और भी मंदिर है। ये एक मंदिर ये है, इसके सामने भी और भी मंदिर है पीछे, तो वहाँ भी चल के देखेंगे। तो ये हम दूसरे वाले गार्डन में आ चुके हैं अभी, ये दूसरा वाला गार्डन है यहाँ की जगह। ये पीछे भी आपको एक दिख रहा होगा, ये हिस्सा है खासकर फंक्शन वगैरह करने के लिए, इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा बना के रखा है। यहाँ पर जैसे शादी वगैरह है, बर्थडे पार्टी वगैरह हो गई है, तो इसके लिए आप यहाँ पे, बहुत ही अच्छी खुली जगह है और बहुत ज़्यादा जगह है, तो इसमें आप सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। ये बगल में बीच में बैठने के लिए बने हुए हैं मंडपम जैसे, यहाँ की जगह बारिश के समय में या गर्मी के समय में धूप से बचने के लिए आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। एक ऐसा ही पीछे और बना हुआ है, वो भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये सब था यार, मैंने आपको सब दिखा दिया है वीडियो में, अभी इसमें यहाँ इतना ही देखने लायक है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी जगह है, अगर आप आओ तो बिल्कुल घूमने आओ यहाँ की जगह। जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा शांति है एकदम। तो आप ऐसा समय या तो सुबह में आइए या शाम में आइए, दोपहर में भी, आज तो फिर छुट्टी का दिन है, आज वैसे कोई लोग नहीं है, तो अगर ऐसे समय में आओगे तो आप बहुत अच्छे से फील कर पाओगे कि यार यहाँ की जगह क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, घूमने में आपको बहुत शांति मिलेगी। तो ठीक है यार, इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और किसी अच्छी जगह अगर जाएंगे तो हम बिल्कुल बिल्कुल उस समय आपको रूबरू करवाऊँगा। तो अभी के लिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय भोलेनाथ। तो हाय दोस्तों, ये देख सकते हो अभी बारिश होने लगी है, तो मैंने सोचा एक बार बारिश के साथ भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार यार, बारिश में तो एकदम इतना गजब का सीन लगेगा कि आप देख सकते हो, इतना शानदार सा लग रहा है, बहुत ही मस्त मज़ेदार एकदम भाई, पूरा माहौल बन गया यार फ़ोटो शूट के लिए। इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती, इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता। लोकेशन भी बहुत अच्छी है, माहौल भी बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है भाई, इतना शानदार लग रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस, रियली रियली ऑसम, इट्स अ वंडरफुल। अभी बारिश तेज़ हो गई है, तो अब शायद अभी वीडियो बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, बाद में दिखाता हूँ, ओके बाय। यार बारिश बहुत तेज़ चालू हो गई, मुझे बीच में ही से वीडियो ख़त्म करना पड़ा। ये भैया भी अभी बारिश में वीडियो बना रहे हैं, हालांकि मैं अंदर आ चुका हूँ। ये यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छे भाई, ये देखो एकदम बाय। बारिश आपको दिखाता हूँ, शायद जून में आपको दिख जाएगी बारिश की। ये देखिए पानी दिख रहा होगा आपको, बारिश भाई बहुत तेज़ बारिश से चालू हो गई है। यार आप लोगों को दिखाने के चक्कर में अब मैं रुक चुका हूँ, और ये बारिश पता नहीं अब कब बंद होने वाली है। अभी हम लोगों को कहीं घूमने जाना था, लेकिन ठीक है थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, लेट होंगे, लेकिन आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था यार आपको दिखाना ज़रूरी था। अब क्या है, हम तो आज नहीं तो कल घूम लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी था आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार एक बार बारिश का माहौल ज़रूर दिखाया जाए। धूप में तो अभी आपको सही से लग नहीं रहा था, लेकिन ये बारिश में बहुत ही शानदार सा लग रहा है। ऊपर की गंदगी सब धुल रही है, ये सारी धुल गई, एकदम HD वाला मौसम हो गया है। कभी कभी ऐसा लगता है यही मौसम रहता है UK और यूरोप वगैरह में, यूरोपियन कंट्री, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चराइज वगैरह ज़्यादा रहता है, इसीलिए वहाँ धूल नहीं रहती वहाँ की मिट्टी में। तो यही मौसम अभी हमारे यहाँ का भी हो चुका है, अभी तो सब धूल गीला हो चुका है। ठीक है, तो
अब अगले वीडियो में कोई अच्छी सी जगह दिखाऊंगा आपको। बाय।